हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फोर क्लास सिक्स, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो हमारा चैप्टर है नादान दोस्त, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। सो देखिए क्या दिया गया है प्यारे बच्चों। पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों चिड़िया के बच्चों के लिए उनके मन में क्या क्या प्रश्न उठ रहे हैं और वे उनके लिए क्या क्या योजना बनाते हैं। और अब आगे आइए देखते हैं कि इस गद्यांश में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और हम किस प्रकार अपने जीवन से जोड़ पाते हैं। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, यानी यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे अंडों को धूप से बचाने के लिए टोकरी जो है, जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है, अम्मा की आंखों से बचाते हुए उसको लेकर आते हैं। अब वो उसको ढकने लगते हैं तो श्यामा कहती है कि वह तो बीच से फटी हुई है, उससे धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत क्या होता है, कोई आइडिया, कोई सुझाव, कोई तरकीब निकालूंगा। श्यामा दौड़कर जो है क्या कर लाई, टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया, तो जहाँ से सुराख था वहाँ से क्या डाल दिया, कागज डाल दिया। और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। ठीक है, तो एक टहनी से उसको टिका कर, जैसे ऐसे टेढ़ा करके रख देते हैं ना, तो ऐसे ही कि मैं क्या करूँगा, मैं उसकी आड़ जो है ऐसे ही घोंसले पर कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। ठीक है, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को सुला कर खुद सो गई थी, तो जो है दोपहर को अम्मा सो गई थी। अब बच्चों की आंखों में नींद कहाँ, बच्चे जो है वो तो उनका इंतज़ाम करना चाहते थे चिड़िया के बच्चों का, कि उनको धूप ना लगे। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि कब अम्मा सोएगी और कब हम चुपचाप से बाहर भागेंगे। ठीक है, जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। तो दोनों जो है वो चुपके से उठते हैं और धीरे से दरवाजे की सिटकनी क्या होती है, जो कुंडी लगी होती है, उसको खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। हिफाजत क्या होता है, उनकी देखभाल। ठीक है, उनकी जो सुरक्षा की तैयारियाँ होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लगाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। जैसा कि आपको दिखाया गया है, तो हमें ऐसे स्टूल पर चढ़ते हैं नीचे चौकी लगा के, तो कई बार जो है हमें क्या लगता है बच्चों, डर लगता है ना, तो ऐसे ये बच्चे भी जो है डर रहे हैं कि कहीं गिर ना जाएं। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए अपनी समझ को परखते हैं। तो पहला जो प्रश्न दिया गया है, श्यामा ने दिल में सोचा कि भैया कितने डैश हैं, तो भैया कितने क्या हैं बच्चों, भैया कितने चालाक हैं। ख जो है इसका आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन में सीधे मूर्ख दयालु दिए गए हैं, लेकिन ख इसका सही आंसर होगा। प्रश्न दो है, हिफाजत शब्द का अर्थ बताइए। तो हिफाजत शब्द का अर्थ क्या है, टूटना, ख कमजोर, ग सुरक्षा, घ देखना। तो हिफाजत शब्द का अर्थ होगा यहाँ पर सुरक्षा, ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न तीन है, अम्मा जी को बहलाने के लिए केशव और श्यामा ने क्या किया। क उन्होंने बहाना बनाया, ख सोने का नाटक किया, ग उनकी बात मान ली और घ सो गए। तो उन्होंने क्या किया था बच्चों, उन्होंने सोने का नाटक किया था। ठीक है, ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पहले का हो गया हमारा चालाक, दूसरे का हो गया सुरक्षा, तीसरे का हो गया सोने का नाटक किया। अब आपको फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, और साथ में आपको यहाँ पे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। प्रश्न चार है, केशव और श्यामा अंडों को धूप से बचाने के लिए, श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या उपाय किए। ठीक है, तो केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए एक टोकरी ली और टोकरी के बीच में जो सुराख था उसे कागज़ ठूंस कर बंद कर दिया। ठीक है, तो अंडों को बचाने के लिए उन्होंने टोकरी से ढकने के लिए एक टोकरी उन्होंने ली थी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न पाँच है, दोनों बच्चों की गतिविधि से ऐसी क्या चीज़ दिखी जिसे आप सीखना चाहेंगे, लिखिए।
तो हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिला, दोनों बच्चों की गतिविधि से एक ऐसी चीज़ सीखने को मिली है कि हमें दूसरे की क्या करनी चाहिए बच्चों, मदद करनी चाहिए और खुश रहना चाहिए, कि हमें दूसरों की मदद जो है करके उसमें खुशी मिलनी चाहिए और पशु पक्षियों की देखभाल जो है वो हमें करनी चाहिए। तो ये जो है हमें यहाँ पर सीख मिलती है। आप इसको चाहो तो इसको और बड़ा भी करके लिख सकते हो कि हमें पशु पक्षियों की देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द में आपको दिया गया है चालाक, चालाक का विलोम क्या होगा बुद्धू। थोड़ा, थोड़ा का विलोम क्या होगा बच्चों, थोड़ा का विलोम हो जाएगा कम, ठीक है। उसके बाद देखिए धूप, धूप का क्या होगा छांव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है धीरे, धीरे का क्या हो जाएगा तेज, ठीक है, थोड़ा कम होगा, धीरे का क्या होगा बच्चों तेज हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बच्चों क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।